स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन, वी आर रनिंग इन नेशनल इनकम. टुडे आई केम विथ सम टर्मिनोलॉजी विच नीड टू बी क्लियर फॉर योर क्लियर परसेप्शन टुवर्ड्स चैप्टर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, रियल जीडीपी. व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी कैलकुलेट व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन बेस ईयर प्राइसेस. बेस ईयर प्राइसेस देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. बेस ईयर प्राइसेस जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो ये रियल जीडीपी कहलाता है. वंस अगेन, व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट इट्स बेस ईयर प्राइसेस देन वी कॉल्ड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी. सेकेंड, नॉमिनल जीडीपी व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी ऑन करेंट ईयर प्राइसेस देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. जब हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू वित्तीय वर्ष के मूल्यों के आधार पर करते हैं, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. थर्ड, जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट अर्थ टूवर्ड्स इन्फ्लेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन कंज्यूमर गुड्स, and that is calculated through GDP deflator equal to nominal GDP but a real GDP into 100. GDP deflator equal to nominal GDP by real GDP into 100. GDP deflator calculated to clear the indicator towards inflation of consumer goods, and it also states that our economy were rising in terms of previous year or static or decrease. Now the next term is real flow. What is real flow? As we know, in two sector economy, one sector is production sector, another is household sector. When goods and services on the basis of payment which is made by consumer, when goods and services on the basis of payments towards that goods and services which is made by consumer, when goods and services flow from production sector to household sector, that were called real flow. Production sector to household sector. Household sector करता है, तो ये real flow है. Real wages क्या है? तो real wages से पहले हमको समझना पड़ेगा कि monetary wages क्या है. Monetary wages refers the monetary cash payment which is made by a producer to the labor or factors of production is known as monetary wages. Suppose एक श्रमिक को दिन भर के काम के बाद अगर 200 रुपये मिलते हैं, तो that is his monetary wage. और उस monetary wage से वो जैसा रहन सहन का स्तर अपनाने के लिए लायक होता है, सक्षम होता है, उसे हम real wages कहते हैं. Real wages also can be defined as a standard of living. The real wages refers the standard of living which a person can attain through its monetary income or monetary wages. So real wages and monetary wages, there is huge difference between real wages and monetary wages. Actually, if we analyze these two terms, then we find that if it is in question, it is can if monetary wages increase, it's ensure the increase in real wages, it cannot be said. Suppose monetary wages किसी का 100 रुपये से बढ़ा के 200 रुपया कर दिया गया, लेकिन जब 100 रुपये था monetary wage उसका, तो चावल 10 रुपये किलो था, और जब 200 रुपये monetary wages कर दिया गया तो चावल भी 20 रुपये किलो हो गया, यानी उसके real wage में कोई अंतर नहीं आया. ठीक है, तो monetary wage में सदैव वृद्धि करना ये नहीं दर्शाता है कि उसके रियल वेज यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में भी वृद्धि होगी या नहीं होगी. तो फिर से एक बार संक्षेप में, रियल वेजेस रिफर्स दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच ए पर्सन कैन अटेन थ्रू इट्स मॉनेटरी इनकम, एंड मॉनेटरी वेजेस रिफर्स दैट कैश पेमेंट विच ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज. मॉनेटरी फ्लो द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
एंड वेजेस इज नोन एज मॉनेटरी फ्लो. मॉनेटरी फ्लो रिफर्स द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड वेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर इज नोन एज मॉनेटरी फ्लो. रियल वेजेस रेफर्स दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच ए पर्सन कैन अटेन थ्रू इट्स मॉनेटरी वेजेस. मॉनेटरी वेजेस रेफर्स दैट कैश पेमेंट विच ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेक या गेट इन ए प्रोडक्शन एक्टिविटीज थ्रू इट्स प्रोड्यूसर. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आय का चक्रीय प्रवाह कैसे बनता है. तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी वन साइड प्रोडक्शन सेक्टर अनदर साइड हाउस होल्ड सेक्टर द अपोजिट फ्लो ऑफ रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो मेक अ सर्कुलर फ्लो दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. द रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो. एक का डायरेक्शन ऐसे होता है एक का डायरेक्शन ऐसे होता है. हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है तो इन दोनों के बीच एक रियल फ्लो जा रहा है और एक तरफ से मॉनेटरी फ्लो आ रहा है. तो ये इधर से जा रहा है ये इधर से जा रहा है तो दैट इज मेक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मॉनेटरी फ्लो एंड रियल फ्लो मेक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अगला टॉपिक है इंजेक्शंस. इंजेक्शन refers those economic variables which used to boost up the level of national income. जो हमारे राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाता है वैसे सभी आर्थिक चरों को हम इंजेक्शन कहते हैं. इंजेक्शन refers those all economic variables which used to boost up or increase the level of national income and those injections. Some examples of injection are consumption, investment, export. Consumption उपभोग निवेश और निर्यात. लीकेजेस नेक्स्ट टर्म इज लीकेजेस. लीकेजेस क्या है. लीकेजेस हम जानते हैं जैसे बाल्टी में या किसी पात्र में जब छिद्र हो जाता है तो उससे पानी या जो पदार्थ है वो रिसते हैं. तो लीकेजेस ठीक उसी तरह से दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच यूज टू डिक्रीज और लोअर देन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज लीकेजेस. इसके एग्जाम्पल हैं सेविंग डिसइन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट्स. लीकेजेस refers those economic variables which used to lower down or decrease the level of national income. Saving से, disinvestment से, import से हमारा राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होता है तो इसको हम leakages कहते हैं. Injection जिससे हमारे राष्ट्रीय आय का स्तर ऊपर होता है या ऊंचा उठता है उसे हम injection कहते हैं. Consumption, investment और export हमारे injection है और saving, disinvestment और import हमारे leakages हैं. नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफर पेमेंट्स. देखिए दो तरह के पेमेंट होते हैं फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट क्या है ये तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट मॉनेटरी रेम्यूनरेशन मॉनेटरी पेमेंट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज नोन एज फैक्टर पेमेंट्स. लाइक देयर वर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट रेंट wages, interest and profit under production process. Those payments were called factored payments. But any payment which is rendering without any productive activities is known as transfer payments. हस्तांतरण भुगतान किसको कहते हैं. वे सभी आय या भुगतान जो बिना किसी उत्पादक गतिविधियों के की मिलता है उसे हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं. ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स दोज ऑल पेमेंट्स विच इज रेंडरिंग विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जैसे कि बहुत सिंपल हमारे समाज में जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो है गोल्ड लगाई. वी ऑल नो अबाउट गोल्ड लगाई. कोई आता है तो भले हम उसका अगर स्वागत नहीं करें लेकिन जाने वक्त में जरूर घर के बच्चे उन्हें जाने वक्त में प्रणाम करते हैं ताकि कुछ गोल्ड लगाई मिल जाए. या सरकार की तरफ से जो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है वृद्धावस्था पेंशन है या बेरोजगारी भत्ता. दीज ऑल केम अंडर ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स दोज ऑल पेमेंट्स विच इज रेंडरिंग विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मैटरनिटी बेनिफिट्स. दीज ऑल आर केम अंडर ट्रांसफर पेमेंट्स. एंड फैक्टर पेमेंट्स रेफर्स द पेमेंट विच a factor of production get under production process for their contribution under production process on the basis of their marginal productivity. That's all.